एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? तो कैसे आप सब लोग? मैं तो ठीक हूँ, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे से होंगे। सो आज मैं मॉर्निंग में जिम गई, हर रोज़ जाती हूँ, तो वहाँ से आके यहाँ पर रेस्ट किया, अपना जो भी है डाइट वो लिया। तो अभी बज रहे हैं 4, तो मेरा मन हो रहा है चाय पीने का, तो हम पीते हैं चाय। दी को भी पूछते हैं चाय पीनी है उसे या नहीं। चाय पीनी है आपको? हाँ, आप पे चाय पीनी है। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है बैठ के काम करना, ना कि खड़े होके, क्योंकि खड़े होके मैं कर नहीं पाती हूँ काम, मेरे को अच्छा नहीं लगता दरअसल। तो मैं बैठ ही जाती हूँ, बैठ के चाय बनाते हैं। पानी डालती हूँ, चाय पत्ती डालते हैं। पत्ती थोड़ा सा ज़्यादा डालें क्योंकि फिर टेस्ट आएगा कि हम सिर्फ दूध पी रहे हैं ना कि चाय। फिर इसका कलर अच्छे से निकल के फिर हम दूध ऐड करेंगे ताकि चाय बहुत अच्छी बने। मैं चाय ऐसी बनाती हूँ, चाय पीने को भी मज़ा आ जाए। अरे वाह, दिखने में तो बहुत अच्छी है, मुझे तो टी स्टॉल खोलना चाहिए। बस थोड़ा उबलने दे ताकि चाय में बहुत अच्छा टेस्ट आए, टी स्टॉल वाला टेस्ट। वाह, ये है ना, ये बस इससे चाय को टेस्ट आता है। मेरा ये मानना है भाई, चाय हो गई है रेडी। दी को छोटा वाला कप देती हूँ और बड़ा खुद को रखती हूँ, ज़्यादा चाय खुद को, उसको क्या ही पता चलना है, वो तो अंदर बैठी है। पत्ती भी डाल दी, चाय पत्ती भी डाल दी। अब इसका यूज़ करूँगी, गुड़ का, मैं गुड़ का यूज़ करूँगी। ये मैं लास्ट पे यूज़ करूँगी, लास्ट पे डालूँगी क्योंकि चाय फट सकती है। चाय तो दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही है, जहर बनी है जहर। हम कज़िन लोगों को आदत है ना जहर बोलने की, जहर मतलब बहुत ही अच्छी। मेरी हालत देख रहे हो आप, कितना पसीना आ गया मुझे चाय बनाते बनाते, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। कोई चीज़ मैं यूज़ करूँ ना उसे साथ में हमें धोना भी पसंद नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता बर्तन गंदे रखना, साथ में धोना। चाय रेडी हो गई है, चाय बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। क्यों नहीं बनती, मैंने जो बनाई है चाय तो अच्छी बनती ही। बैठ के स्कूल से 2 मिनट। आज मुझे ना बहुत ही ज़्यादा थकावट फील हो रही है, क्योंकि मैं सुबह जब उठी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं जिम जाऊँ, मैं वर्कआउट करूँ, तो लेकिन मैं फिर भी चली गई। मेरे को इतनी नींद आ रही थी कि मेरा मन हो रहा था कि मैं थोड़ी देर ऊपर जाते हैं, अगर धूप ना हुई तो, ज़्यादा तेज़ ना हुई तो बैठ लेते हैं थोड़ा। मैं आपको दिखाऊं बाहर का व्यू कितना अच्छा है, बहुत प्यारा है। वेट, बहुत प्यारा है हमारे बुर्ज खलीफा का व्यू। वाह वाह वाह, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, यहाँ पे ना ज़्यादा अच्छी हवा शाम को होती है, रात को 10-11 बजे। तो रात को यहाँ बैठ के कभी तारे गिनते हैं तो कभी हवा खाते हैं, नहीं नहीं कपड़े भी सुखाते हैं इस वाले एरिया में। तो मेरा दिन ऐसे ही गुजरता है, कभी बाहर कभी अंदर। तो अभी धूप धूप ऊपर है, सर के ऊपर, यू नो। मैं
ऐसे भी होते हैं, मैं ये नहीं कहती सब लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिला वजह वो दुश्मनी रखते हैं। आपने कुछ बिगाड़ा भी नहीं होता है उनका और वो आपके बारे में पता नहीं क्यों बुरा सोचते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, अच्छे भी लोग हैं इस दुनिया में, बुरे भी लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन क्या होता है ना, होते हैं, मतलब अच्छे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, दोनों लोग हैं, लेकिन हमें किन को फॉलो करना चाहिए, हमें अच्छाई को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कुछ भी नहीं लेना सिवाय अच्छाई के। तो हमें चाहिए कि हम हमेशा अच्छा सोचें, किसी के बारे में खुश हो जाएं, सब पे खुश हो जाएं। बुराई कहीं भी मिली ना, दिल साफ रखो, अच्छे काम करो। तो मुझे लगता है कि अगर आपके घर पे कोई कुछ लेके आए, मतलब हमारे घर जो आते हैं ना, हमारे जान पहचान के लोग या कोई आउटसाइडर, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई कुछ गिफ्ट लेके, कोई खाने की चीज़ लेके आए तो वही बंदा अच्छा है, ये ज़रूरी नहीं है। किसी के दिखावे पे नहीं जाना चाहिए। ज़रूरी ये भी नहीं है कि कोई खाली हाथ आए तो वो बुरा है, नहीं, हम ये दोनों में से कोई भी डिसाइड नहीं कर सकते कि उनमें से कौन अच्छा है कौन बुरा है, इन चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए। ज़रूरी ये नहीं है कि वो हमदर्द है या वो हमदर्द है, कुछ भी हो सकता है। ये बातें अचानक से मेरे दिमाग में आके ना मैंने कैमरा ऑन करके मैंने बोल दी कि अचानक से मेरे दिमाग में आ गई ये बातें, मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ। छोटे से बच्चे नंगे घूम रहे हैं, इनको गर्मी भी नहीं लगती।